आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अमेरिका में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बेइज्जती, नहीं हुआ स्वागत, इमरान को मेट्रो से जाना पड़ा होटल। कांग्रेस में एक युग का अंत, शीला दीक्षित का दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दहाड़, बीजेपी को बताया डकैतों की पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा में छाया सामान्य वर्ग के प्रमोशन का मसला, कमलनाथ सरकार कटघरे में। और मध्य प्रदेश की हैरान करने वाली तस्वीर, हर मर्ज की दवा बाबा के पास, फिर क्या कर रही है सरकार। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बड़ी उम्मीदों के साथ अमेरिका पहुंचे, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनकी जमकर बेइज्जती की। पहले तो एयरपोर्ट पर इमरान के स्वागत में ना तो ट्रंप वहां पहुंचे और न ही किसी अधिकारी को भेजा। इसके बाद मेट्रो में सफर करके पाकिस्तान के पीएम को होटल पहुंचना पड़ा। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को इस कदर बेइज्जत होने की उम्मीद नहीं थी कि ना तो वहां किसी ने उनका सत्कार किया और कोई अमेरिकी अधिकारी तक उनके वेलकम के लिए नहीं पहुंचा। इमरान खान और उनके सहयोगियों को मेट्रो से सफर कर होटल तक पहुंचना पड़ा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अमेरिका में रहने वाले कुछ पाकिस्तानी लोगों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे। अमेरिका से आर्थिक मदद की गुहार लगाने के लिए इमरान खान यह दौरा कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक वह आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। अमेरिकी दौरे से पहले पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में बीते बुधवार को गिरफ्तार किया था। इस नाटक पर ट्रंप प्रशासन ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा था कि हम यह देख चुके हैं कि सईद को पहले भी कई बार जेल में डाला जा चुका है। सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी है, जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। इमरान खान की अमेरिकी यात्रा से पहले भी ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा था कि हाफिज सईद जैसे आतंकियों के आकाओं के खिलाफ कार्रवाई का वह सिर्फ दिखावा ना करे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की कार्रवाई निरंतर होती रहे। अब खबर दिल्ली से। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री, केरल की राज्यपाल और कांग्रेस की दिल्ली इकाई की अध्यक्ष रही शीला दीक्षित का 81 वर्ष की आयु में शनिवार को देहांत हो गया था। दिग्गज नेताओं के साथ आम लोग अपनी प्रिय नेता शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि दी। उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर से निकलकर निगम बोध घाट पर पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। शीला दीक्षित के निधन से कांग्रेस में एक युग का अंत हो गया। दिल्ली में काफी तेज बारिश हो रही थी, मगर शीला दीक्षित के चाहने वाले उनके अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। इससे पहले शीला दीक्षित का शव वाहन खराब हो गया था, इसकी वजह से उनकी अंतिम यात्रा में देरी हुई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने पहुंची। दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस का झंडा शीला जी के सम्मान में आधा झुका रहा। अपने विनम्र स्वभाव से उन्होंने न सिर्फ आम लोगों का दिल जीता, बल्कि विरोधी भी उनके काम और लगन के कायल हैं। दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर काम कराए और सड़कों व फ्लाईओवरों के निर्माण से उन्हें शहर के बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली मेट्रो के साथ ही स्वास्थ्य और शैक्षणिक क्षेत्र के विकास में भी काफी काम किया। शीला दीक्षित ने साल 1998 से 2013 तक के अपने 15 साल के शासन के दौरान दिल्ली का चेहरा पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके निधन की खबर मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उनके सम्मान में दिल्ली सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक जताते हुए कहा कि दीक्षित का शहर के विकास में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने अपने भाषण में बीजेपी को डकैतों की पार्टी कहा और सवाल उठाया कि इनके पास इतना पैसा आता कहां से है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पहली रैली में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग उठाई। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं समय से पहले आ गई क्योंकि सड़कों पर पहले से लाखों लोग खड़े हैं, कई समर्थक सड़कों पर हैं। इस दौरान ममता बनर्जी हमलावर रही। उन्होंने कहा कि अभी ट्रेन बीजेपी के कब्जे में है, इसीलिए उसने ट्रेनों को रोक रखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सूरज बादलों के पीछे से भी चमकता है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की ओर से चुनावों में भारी पैमाने पर धन खर्च किए जाने पर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी डकैतों की पार्टी है, बीजेपी बताए कि चुनाव लड़ने के लिए उसके पास इतना पैसा कहां से आता है। 42 तक बीजेपी गुल्लाई जाक। टीएमसी प्रमुख ने लेफ्ट पार्टियों पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी पार्टियों में लेफ्ट सबसे खराब है क्योंकि अब उसके कैडर और गुंडे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी से पहले उनके भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने रैली को संबोधित किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता हमारी ताकत है, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वे मेरे खिलाफ जितनी बार लड़ना चाहें लड़े, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें उतनी बार हरा दूंगा, बशर्ते चुनाव बैलेट पेपर से हो। एमपी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर सवाल उठाया। शर्मा ने कहा कि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने सिर्फ आरक्षित वर्ग में कुछ नियमों को लेकर रोक लगाई है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जब प्रथम श्रेणी को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा तो अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ऐसी विसंगति क्यों हो रही है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो प्रथम श्रेणी के पदोन्नति पर भी अंकुश लगाया जाएगा। अन्य वर्ग के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि बहुत सारे कर्मचारी रिटायर्ड होने के कगार पर आ गए हैं और उनको प्रमोशन नहीं दिया गया है। शर्मा ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण पर जो मतभेद कोर्ट में चल रहा है उसमें सिर्फ SC ST और OBC को लेकर है। इस मतभेद में सभी कर्मचारियों की पदोन्नति रोके जाने से सामान्य वर्ग का कर्मचारी परेशान हो रहा है। सामान्य वर्ग वाले पद तो सामान्य वर्ग के कर्मचारियों से भरा जाना चाहिए। मामले को विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने संज्ञान में लिया और कहा कि जब प्रथम श्रेणी वाले प्रमोशन पा रहे हैं तो अन्य श्रेणी के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन विधानसभा से वो प्रथम श्रेणी के प्रमोशन को भी रोक देंगे। अध्यक्ष NP प्रजापति ने ये भी कहा कि पदोन्नति रुकने से कर्मचारियों के परिवार पर भी मानसिक असर पड़ रहा है। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार इस विषय में समिति बनाएगी और प्रावधान किए जाएंगे कि इस मुद्दे को हल किया जाए। चिकित्सा शिक्षक मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने कहा कि एकल सीट पर किस तरह प्रमोशन किया जाएगा इस पर विचार किया जाए। साधु ने भी समिति बनाकर इस समस्या को सुलझाने की बात कही। बैठा सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पाई, लेकिन आज आसंदी से जो उन्होंने कहा कि विधायकों की कमेटी बनाकर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, विधि विशेषज्ञों से भी इस पर चर्चा की जाएगी और इसका निराकरण हो सके विधि विशेषज्ञों की सलाह से सुप्रीम कोर्ट में इसकी पूरी बात की जाएगी और इस पर सभी वर्गों को फायदा होगा। देखिए इस पर कानून बनने जा रहा है, पटल पे है और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की सरकार इस तरह की जो हिंसा की घटनाएं इनको रोकने का के लिए कृत संकल्पित है। व्यवस्थाएं प्रमोशन की होनी चाहिए क्योंकि वर्षों से जो लोग प्रमोशन की राह देख रहे हैं, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं, कहीं जो काम होना चाहिए वो एक्चुअल पोस्ट पे बैठने के बाद नहीं हो पा रहे क्योंकि प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। मैं पार्लियामेंट में थी, वहाँ पर भी नागराज एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में,
और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के शायद डायरेक्टरीज ही हैं। मेरी एक जिज्ञासा थी कि वो जो वहाँ पर ये बात की जाती कि भाई जो प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं उनका प्रमोशन किया जा रहा है, बाकी के जो नीचे लेवल के उनका नहीं किया जा रहा है, ये क्वेश्चन के संबंधित एक MLA साहब ने उठाया था, तो मेरी जिज्ञासा भी इसमें जानने की थी। जैसे कि विपक्ष की तरफ से ये बात आई कि भाई आप इसमें कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, तो मेरा ज्ञानवर्धन में करना चाह रही थी कि भाई अगर एकल पद हुआ वहाँ अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी फॉलो नहीं करी, अगर उसमें आरक्षण का फॉलो जो रेशियो होना चाहिए वो फॉलो नहीं किया SC ST और OBC के लिए, तो फिर वो प्रमोशन कैसे रहेगा कि आप जनरल कैटेगरी को तो दे सकते हो लेकिन SC ST का रिजर्वेशन फॉलो नहीं करते, ये बात मैंने बोली थी। इसमें एकल पद के अगर जो रेशियो होते हैं कि भाई जनरल नहीं मिला उस कैटेगरी का SC ST या OBC से होता है, अगर वो नहीं मिलता तो जनरल से भर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें विसंगति हो सकती है। तो जैसे एकल पद में एक अगर पद हुआ तो उसमें रिजर्व पॉलिसी रिजर्वेशन की जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसको आप कैसे लागू करोगे। आप लोगों ने भी देखा कि आसंदी से माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कमेटी का बोला है उसके माध्यम से चीज़ें सारी आ जाएंगी, जो कमेटी एक एक चीज़ को देख लेगी तो मैं समझती हूँ कि स्थितियाँ ठीक होंगी। और देखिए आसंदी से अगर कोई निर्देश आया है तो मैं समझती हूँ कि चीज़ें व्यवस्थित होंगी। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, सरकार कर्मचारियों के बारे में भी नहीं सोच रही, बिना जॉब सेटिस्फेक्शन के कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, समय समय पर कर्मचारियों को उनके योग्यता अनुसार प्रमोशन मिलना चाहिए। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे कर्मचारियों का कल्याण का मामला, अधिकारियों के कल्याण का मामला हो या जनता के कल्याण का मामला। इसीलिए आज ये विषय पदोन्नति को लेकर और अधिकारी कर्मचारियों को सरकार की संरक्षण को लेकर जब मुद्दा आया तो विपक्ष के इस मुद्दे पर अध्यक्ष जी ने भी निर्देशित किया कि किसी भी संस्था के सफलता के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है और अधिकारी कर्मचारियों में अपने जॉब के प्रति संतुष्टि हो उसके लिए जरूरी है कि उनको यथा समय पदोन्नति मिले और उसका निर्देश दिया है। हम मानते हैं कि सभी कर्मचारियों को अधिकारियों को समय से पदोन्नति मिलना चाहिए और उनके काम का उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हाथी और मानव द्वंद को लेकर भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून शोध करने जा रहा है, यह रिसर्च 3 साल तक चलेगी, यह दल शोध आधारित क्षमता विकास का कार्य भी करेगा। मानव हाथी द्वंद को लेकर अंतरराज्यीय पहल के लिए राज्य सरकार MOU करने जा रही है, इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि तिमोर पिंगला अभ्यारण में हाथियों के पेयजल के लिए 16 एनीकट 11 स्टॉप डैम और 475 हेक्टेयर में चारागाह विकास कार्य कराया गया है। छत्तीसगढ़ में हाथी मानव द्वंद में आदिवासियों की जान जा रही है, इसे रोकने के लिए सरकार ने रिसर्च कराने का फैसला किया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों को जंगली हाथियों की सूचना देने के लिए आकाशवाणी केंद्र का उपयोग किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश के 6 जिलों में जंगली हाथियों का आतंक है, इससे निपटने के लिए सरकार ने हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र सूरजपुर के रामकोला बीट में खोला है, इसमें समस्या मूलक हाथियों को पकड़कर सुधारने का काम किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जंगली हाथियों के प्रति स्थानीय स्तर पर आक्रोश देखने को मिलता है, जिसके कारण हाथी भड़क जाते हैं और नुकसान करते हैं। शोध दल इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेगा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। हाथियों के आतंक को रोकने के लिए सरकार की ओर से चलित हाथी दस्ता बनाया गया है। जंगली हाथियों को रेडियो कॉलर पर सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा रही है, कर्मचारियों की गश्त भी लगाई जा रही है। ये खबर हैरान करने वाली है, पढ़े लिखे सभ्य समाज में आस्था के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। भीड़ को देखकर प्रशासन सच्चाई जानने के बजाय चुपचाप बैठ गया है। ग्रामीण इलाकों में दवा और डॉक्टर के अभाव में बीमार और पीड़ित लोगों को यहां लाया जा रहा है। यहां के पंडे पीड़ित बच्चे को हवा में उछालकर इलाज करते हैं। मांस हिस्टीरिया के शिकार लोग अस्पताल की बजाय यहां झूमते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा खुद बीमार पड़ा है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है।
क्या यही है मध्य प्रदेश के बदलते वक्त की तस्वीर, जहां इलाज न मिल पाने से मजबूर लोग कबीलाई संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। जब सरकारी तंत्र फेल हो जाता है तो ऐसे दृश्य सामने आते हैं। एक पुरुष पंडा यहां भेष बदल कर लोगों का इलाज करता नजर आता है। पीड़ितों की भारी भीड़ और उसके बीच तंत्र मंत्र, कहीं शर्तिया बच्चा होने का आशीर्वाद तो कहीं भूत भगाने का दावा, किसी की चोटी पकड़कर पीटना तो किसी से जमीन पर लोट लगवाना। इसे डॉक्टर्स मास हिस्टीरिया कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यह सब संभव है। जिन लोगों को इलाज की व्यवस्था नहीं मिलती, ऐसे बेचारे लोग इन तंत्र मंत्र के ठिकानों पर पहुंच जाते हैं, जहां देखकर लगता है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार का ध्यान लोगों को जागरूक करने के बजाय कहीं और ही है। ये नजारा है आक्या चौहानी का। शाजापुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव, यहां से गुना मक्सी रेलवे ट्रैक गुजरा है। आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन बीते 3-4 महीने से यह गांव न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी कई लोगों की जुबां पर है। यहां हर गुरुवार व सोमवार को जत्रा होती है, जिसपे भूत प्रेत भगाने और बच्चा होने की कामना लेकर राजगढ़, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, इंदौर, देवास, आगरा समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई स्थानों से लोग पहुंचते हैं। इसके साथ तमाम किस्म के रोग दूर करने के दावे भी यहां किए जाते हैं। बीते गुरुवार को पंडे और समिति में रुपयों को लेकर विवाद सामने आया था। वहीं इस गुरुवार को पंडा गोपाल नागर के जत्रा स्थल पर नहीं पहुंचने से पर्दे खुले। पंडे के इलाज करने के तरीकों, रुपए को लेकर विवाद से अब यहां का सच सामने आ सकता है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। दरअसल जब से यहां पर हर गुरुवार व सोमवार को दूर दराज से पीड़ित पहुंचने लगते हैं, तभी से पार्किंग के नाम पर जबरिया वसूली शुरू कर दी गई है। पंडा गोपाल नागर के पीड़ित के इलाज करने के तरीके भी अलग अलग हैं। चाटे मारने, चोटी पकड़ने और छोटे बच्चों के हाथ मरोड़े जाते हैं, उन्हें हवा में उछाल दिया जाता है। चोरी करने चढ़ने दिया मैंने, पर उसके बाद तुम दो को ना, उसके बाद अब गोद के बढ़वा पतिदेव, अब पतिदेव ये बड़ी सभा ने मेरा मान नहीं गिरना चाहिए। मैं कमल के फूल जब गुलाब चलूंगा उसमें कन्हे दुआ पलानी गंगा रानी राल तू उसको बाबा ने बेटा दिया। तेरा तेरा आचरण बिगड़े, तेरा मान गिरे, मेरा कोई शोभा नहीं है क्या बाबा। पंडा जो करे सुकम है, पर कमलनाथ सरकार इस सब तमाशे पर चुप्पी साधे हुई है। यहाँ हजारों लोग रुपए भी दान स्वरूप देते हैं, ऐसे में अब रुपयों को लेकर विवाद भी सामने आने लगा है। वहां सारा तमाशा पैसे के लिए है और इलाज के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहां पीड़ित लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छात्राओं का शिकायत करना जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला को इतना नागवार गुजरा कि वह छात्राओं पर भड़क गईं और बोली कि नेतागिरी मत करो। जीवाजी विश्वविद्यालय अपनी कारगुजारियों के लिए हमेशा ही चर्चाओं में रहता है। यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलपति निवास पहुंची छात्राओं से कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बौखलाहट भरे अंदाज में पूछा, बताओ आज कैसे आई। छात्राओं ने कहा, सोमवार से शुक्रवार तक नियमित कक्षाएं और परीक्षाएं थी, इसीलिए आज आना पड़ा। कुलपति ने पूछा एक छात्र से, कहाँ रहती हो और कहाँ पढ़ती हो। इस पर छात्र ने बताया कि मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और विश्वविद्यालय के लॉ संस्थान की छात्रा हूँ। कुलपति ने कहा, तो आज के बाद नेतागिरी मत करना। आपने यहाँ आने से पहले कुल सचिव और वार्डन को जानकारी क्यों नहीं दी। इस पर छात्रा का कहना था कि हम लोगों ने शुक्रवार को ही शिकायती पत्र दे दिया था, लेकिन शनिवार तक निराकरण नहीं हुआ, इसीलिए आपके यहाँ शिकायत करने आना पड़ा। यह सुनकर कुलपति और बौखला गई और कहा कि 24 घंटे के अंदर आने की क्या जरूरत पड़ गई। आज यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मैम सैटरडे को ही हमारे पास फ्री टाइम होता है। तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है, यूनिवर्सिटी बंद है तभी आओगे। नो मैम, हमारी क्लास तुम्हें मालूम नहीं है, सेकंड सैटरडे यूनिवर्सिटी बंद रहता। तुम्हारे पास फ्री टाइम है, सिर्फ तुम कुछ पढ़ के घर पहुंच जाओ। उन्होंने बोल दो फ्री टाइम मैम, आज हमारी क्लास नहीं थी इसलिए हम आज ही आ। क्लास कब से कब तक होती है आपकी? सर 10 से 5 बात, हम तो 6-7 बजे तक बैठते हैं। आप नहीं, ये रजिस्ट्रार को जानते हो ना? आप 7 बजे तक बैठते हैं? आपको ऑफिस आज 7 बजे तक नहीं पता था मैम? नहीं पता था तो आज मेरे घर कैसे पता चल गया मैम? हम नहीं, घर कैसे पता चल गया? ऑफिस आज नहीं पता है आपको विश्वविद्यालय के, लेकिन आपको कुलपति का घर पता है। फाइव नहीं, सारा बात ऑफिशियली है, 6:30 बजे तक सब लोग बैठते हैं। तो मालूम था ऑफिस खुला रहता है? नहीं नहीं, अब बहुत हो चुका है ये सब चीजों का। दिक्कतें बैठ के सॉल्व की जाती है, एक हायरार्की बनाई जाती है, हायरार्की देखता है। अगर आप लोग ने रजिस्ट्रार से कम्युनिकेट नहीं किया और रजिस्ट्रार ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो वीसी तक अप्रोच करना गलत है। इस पर छात्रा ने तर्क दिया कि मैडम, यह समस्या मेरी अकेले की नहीं है, सभी छात्राओं की है, इसीलिए शनिवार को ही आना पड़ा। छात्रा का जवाब कुलपति को इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने कहा कि तुमने सभी छात्राओं का ठेका नहीं ले रखा है, अपनी बात बताओ और जाओ। छात्राओं ने कहा कि हमें शनिवार को ही टाइम मिलता है, इसीलिए आए हैं। इसी बीच कुल सचिव डॉक्टर आई के मंसूरी भी गर्म हो गई और कहा कि हम लोग 7 बजे तक बैठते हैं, तुम लोग पेपर के बाद भी आ सकते हो, निराकरण कर देते, जबकि विश्वविद्यालय की हकीकत इससे जुदा है। बच्चे अधिकारियों को ढूंढते रहते हैं और अधिकारी अधिकांशतः मीटिंग का हवाला देकर विद्यार्थियों से मिलते ही नहीं हैं। अंत में कुलपति ने दो टूक शब्दों में कह दिया, अगर आपने रजिस्ट्रार से कम्युनिकेट नहीं किया या फिर रजिस्ट्रार ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तब तक बीसी तक अप्रोच करना गलत है। जीवाजी विश्वविद्यालय के मृगनयनी हॉस्पिटल की छात्राओं ने सब्जी में कीड़े निकलने, फफूंद लगे टमाटर डालने व युवकों के अंदर तक आने की शिकायत की है, लेकिन लगता है कुलपति किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि भोपाल के होशंगाबाद रोड पर रेत और गिट्टी से भरे ट्रकों ने पूरी रोड पर कब्जा कर लिया है, जिससे रहवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। शर्मा ने कहा कि सड़क के पास जहां खाली जमीन है वहां भी रेत डालकर स्थान घेरा जा रहा है। होशंगाबाद रोड में लग रहे जाम पर रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि मंडीदीप के पास टोल प्लाजा और उसके आसपास की जमीन पर ट्रकों द्वारा रेत गिट्टी डाले जाने से रहवासी परेशान हो गए हैं। आए दिन या तो ट्रक वहां पर खड़े हो जाते हैं या रेत डालकर रास्ता जाम कर दिया जाता है। रामेश्वर ने कहा कि आसपास रहवासी इलाके और कॉलोनियां बनी हुई हैं, जिसको आए दिन इस समस्या से जूझना पड़ता है। कभी इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ती है तो कोई देखने वाला नहीं रहता, सही जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। शर्मा ने कहा कि ये ट्रक और डंपर हटाए जाएं। रविवार को पहली बार विधानसभा चलने को लेकर शर्मा ने कहा, हम विधायक हैं और जब हम वोट मांगने जाते हैं तो यही कहते हैं कि 24 घंटे जनता की सेवा में मौजूद हैं। हाईवे रोड है, इस रोड के दोनों तीनों तरफ कॉलोनियां हैं, लगभग 30-40 कॉलोनियां रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रात में जाम में फंस जाते हैं। एक भी अगर अचानक कोई बीमार हो जाए तो कॉलोनी से नागरिक बाहर नहीं निकल सकता, इलाज के लिए नहीं जा सकता, ट्रक और डंपर लगा दिए जाते हैं। इससे ही बचता हुआ थोड़ी बहुत जगह बचती है,
तो ट्रक और डंपर सड़क पर अतिक्रमण करके वहाँ रेत के भंडारण कर लेते हैं। शून्यकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रश्न उठाने की अनुमति दी, मैंने प्रश्न उठाया, श्रीमान मंत्री आरिफ अकील जी ने मेरे प्रश्न का समर्थन भी किया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने गृह विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पबजी खेल की चर्चा मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हुई। शून्यकाल के दौरान इस खेल को बच्चों और जवानों के लिए बहुत खतरनाक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि पबजी गेम की लत बच्चों को हिंसक बनाने के साथ साथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। पबजी खेल को लेकर विधानसभा में विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि यह गेम बच्चों की सेहत के लिए घातक होता जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जैन ने कहा कि पबजी की वजह से बच्चे हिंसक हो रहे हैं और आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं। पूरे देश में पबजी खेल की वजह से कई बच्चों ने अपने प्राण गंवाए हैं। बच्चों में पबजी की लत लगती जा रही है जो कि बहुत ही घातक और नुकसानदायक है। जैन ने कहा कि अध्यक्ष महोदय ने इसे गंभीर समस्या माना है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये पबजी खेल से प्रेरित होके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इतना एडिक्शन है, 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पबजी खेल, ये लत है, एडिक्शन है। इस एडिक्शन से बचाव करने के लिए आज हमने शून्यकाल में बात उठाई थी और ये इस हद तक है लत जो लगती है कि बच्चे जो है आत्महत्याएं तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के अनेक तरह की आत्महत्याएँ देश के विभिन्न कोनों में हुई हैं, मध्य प्रदेश में भी इस तरह के उदाहरण हमें मिले हैं। तो इस विषय को लेकर शून्यकाल में आज माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैंने मुद्दा उठाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी गंभीरता को लिया है और उन्होंने निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पबजी खेल मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित होंगे। इंटरनेट के तेजी से बढ़ते उपयोग के कारण साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। धोखाधड़ी कर एक शिक्षक के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए 10 दिन के अंदर अज्ञात आरोपियों से साइबर सेल ने शिक्षक को पैसे वापस दिलाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की गंभीरता से खोज शुरू कर दी है। साइबर अपराध का एक मामला नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां एक शिक्षक को अज्ञात आरोपियों ने अपने झांसे में लेकर उसके खाते से करीब 49,800 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए, जिसका पता लगते ही पीड़ित अकबर कुरैशी ने तुरंत अपने नजदीकी बैंक से संपर्क कर खाते को होल्ड करवा दिया। उसके बाद साइबर सेल नरसिंहपुर से संपर्क किया, जिसके बाद साइबर सेल ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 10 दिन में अज्ञात आरोपी से पीड़ित को पूरे पैसे वापस करवा दिए। हालांकि अभी आरोपी का पता तो नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। फर्जी कॉल आता है, वो कहता है कि कार्ड आपका नया बन के आ जाएगा और उसमें मेरी सारी डिटेल्स स्कूल से लेकर के घर तक की और तमाम पूरी जानकारियां उसने दे दी। देने के बाद उसने मेरे से CVV नंबर ले लिया और लेने के बाद उसने मेरे खाते से पहले 19,900, फिर उसके बाद 19,900 और 10,000 की राशि निकाल ली। मैं तुरंत करेली थाने गया। करेली थाने में वालों से जैसे मैंने मौखिक बताया, उन्होंने कहा कि आप बैंक जाएं। बैंक में जैसे SBI बैंक गया तो उन्होंने खाते को होल्ड किया। उन लोगों ने बहुत हेल्प की, SBI बैंक वालों ने बात करके जिन अकाउंटों पर मेरी राशि गई थी उस पर होल्ड लगाया और वहाँ से फिर रिप्लाई आया 7 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। वो पैसे मेरे खाते में वापस आ गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय और यहाँ पर एडिशनल अधीक्षक महोदय और साइबर सेल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा तो शिकायत प्राप्त हुई अकबर कुरैशी साहब की, इनके द्वारा कि इनके अकाउंट में से करीब 50,000 रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लिए गए हैं। इनसे OTP मांगा गया। ज़्यादातर ऐसी जो गैंग्स हैं वो फ़ोन पर OTP या अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं आपकी कार्ड संबंधी या आपकी जन्मतिथि संबंधी वो मांगती हैं और किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट पर, तो आप वो उसको दे देते हैं, तो उसमें ये राशि जो है वो धोखाधड़ी से ले ली जाती है। इस प्रकरण में ये जो कंप्लेनेंट है फरियादी हमारे पास आए, इन्होंने हमें शिकायत की कि ऐसे पैसे निकले हैं, तो हमारी साइबर टीम और हमारी पूरी टीम ने इसमें जुट कर काम किया और सफलतापूर्वक इनके पैसे जो है इनको वापस दिलवाए। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने विधानसभा में खाद्य सामग्री पर एक्सपायरी और मिलावट को लेकर कहा कि यह आमजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो इन सब में लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिलावट ने कहा कि जान से खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने खाद्य सामग्री को एक्सपायरी डेट के बाद बेचे जाने को लेकर कहा कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मुद्दे आमजन से जुड़े होते हैं, इन पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी को भी किसी से जान से खेलने का अधिकार नहीं है। सिंथेटिक दूध को लेकर तुलसी सिलावट ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसी हरकत करने वालों के ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था जल्द करने की भी बात सिलावट ने कही। कोई ऐसी बात हो तो मैं उसकी जांच कराने के लिए तैयार। कई वर्षों से 70% डॉक्टरों की कमी है पूरे मध्य प्रदेश में। ये चुनौती हमें मिली है, हम इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और एक डॉक्टर की कमी को अति शीघ्र पूरा करने वाले हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आज के बाद बता। अभी मुझे मांग के ऊपर उत्तर देना है, उस पर बता दूंगा आपको पूरा। पर चुनौती है, मैं इसको करूँगा पूरा। बताना चाहता हूँ कि ये दूध मेवा, ये मिलावट, भ्रष्टाचार, इन सब की जड़ें इन 15 साल में मध्य प्रदेश में बहुत गहरी हो गई हैं। इन जड़ों में मट्ठा डाल करके इनको उखाड़ने में समय लगेगा। और उस आज जो ग्वालियर चंबल में जो दूध मिलावटी पकड़ा गया है, ये हमारी और माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार है उसका अथक प्रयास है और हम इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। क्यों, इसके कारण आप देख रहे हो वो नौनिहाल बुजुर्गों को कैंसरों की शिकायत हो रही है, घातक बीमारियां हो रही हैं। इसलिए मिलावट खोरों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी लोग दोषी होंगे ए से लेकर जड़ तक उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उधर बीजेपी ने एक्सपायरी डेट वाली सामग्री को लेकर कहा कि छोटे दुकानदारों के ऊपर ड्रग कंट्रोलर का हमेशा शिकंजा रहता है, लेकिन ये जो माल है उनमें 10-40% की छूट देकर खाद्य सामग्री को एक्सपायरी डेट आने पर बेच देते हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि माल में अन्य चीजों पर आप छूट देके बेचो, लेकिन खाद्य सामग्री को समय बीतने के बाद बेचना सही नहीं है। ग्राहक छलावे में आकर इन सामानों को खरीद लेते हैं, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि खाद्य सामग्री की कब एक्सपायरी डेट होगी। छोटे दुकानदार, किराने के दुकानदार, इनके ऊपर ड्रग कंट्रोलर्स का और फूड वालों का शिकंजा हमेशा बना रहता है, लेकिन जो बड़े माल वाले हैं, जो खाद्य सामग्रियां सन्निकट आने वाली एक्सपायरी डेट की सामग्री को 10% से लेकर के 40% तक जो ऑफर दे करके उनके शॉपिंग मॉल से बहुत जल्दी जो माल एक्सपायरी डेटेड होने वाला है, ये वो मॉल वाले जानते हैं, लेकिन ग्राहक तो सिर्फ ये जानता है कि मुझे ऑफर में सस्ता फूड मिल रहा है, सस्ती सामग्री मिल रही है 30-40% के रिलेक्शन की, तो वो कभी भी रोकते नहीं है, टोकते नहीं, और ये आभास नहीं होने देते और ये अवगत भी नहीं कराते कि ये माल कितने दिनों बाद एक्सपायर होने वाला है। ग्राहक छलावे में आकर के, भुलावे में आकर के तत्काल प्रभाव से ले जाता है। आप जूतों में, चप्पल में, बैग्स में, रेडीमेड्स में चाहे जब जितना रिलेक्शन दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फूड के मामले में अगर आप रिलेक्शन दे रहे हैं तो एक्सपायर डेट को भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि इन मॉलों पर जब इस बात को लेकर के ऑफर दिया जाता है उस समय ऑफर वाले एरिया में उसकी एक्सपायर डेट के बारे में भी जानकारी बोर्ड पर अंकित की जाए। दीपक चाहर और राहुल चाहर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 अगस्त से होने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। रिद्धिमान साहा ने चोट से उबर कर भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज 3 अगस्त से खेली जाएगी। इन टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 8 अगस्त से खेली जाएगी। इनके बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 22 अगस्त से शुरू होगी। T20 सीरीज के लिए विराट कोहली कप्तान, शिखर धवन, रोहित शर्मा उप कप्तान, KL राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, कुणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चाहर, नवदीप सैनी टीम में शामिल किए गए हैं। वहीं वनडे सीरीज के लिए टीम में विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, शिखर धवन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव,
युजवेंद्र, चहल केदार जाधव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, नवदीप सैनी हैं। टेस्ट सीरीज के लिए टीम में विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे उपकप्तान, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा बिहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव को शामिल किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. देख रहे हैं दखल न्यूज़।